प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे अध्ययन का विषय है आधुनिक भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान कर दी, लेकिन यहाँ से चले जाने के बाद भी स्वतंत्र भारत के लोक प्रशासन पर अंग्रेजों का प्रभाव या अंग्रेजी प्रशासन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आज भी हमारे यहाँ पर आकार, प्रकार, किस्म, संगठन, प्रक्रियाओं के कार्य, प्रक्रियाएं, कार्य करने के ढंग इत्यादि के क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश प्रशासन आज भी हमारे यहाँ पर, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव डाले हुए है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश प्रशासन से बिल्कुल मिलती जुलती है। ब्रिटेन में जो संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है, ठीक उसी तरह का मॉडल हमारे यहाँ पर अपनाया गया है, और ये हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश विरासत है। स्वतंत्र भारत के जो संविधान की मोटी रूपरेखाएं बनाई गई, वो मोटी रूपरेखा 1935 के एक्ट पर आधारित है, और 1935 के एक्ट की मुख्य धाराएं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित थी। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वो है भारत की संघीय शासन व्यवस्था। 1935 के एक्ट में जिस संघीय ढांचे की कल्पना की गई थी, वो संघीय ढांचा मोटे रूप से हमारे भारतीय संविधान का आधार है, जिसमें संघीय सरकार को अधिक प्रभावशाली बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। केंद्र सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां भी 1935 के एक्ट पर जो जिस प्रकार से बनाई गई थी, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर बनाई गई हैं। केंद्र सूची को अधिक विषय, प्रांतीय सूची को कम विषय, और अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को प्रदान करके केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इसी तरह से जिला जो है वो प्रांतीय शासन की धुरी के रूप में उभर कर ब्रिटिश शासन व्यवस्था में आया था, और जिले का जो मुख्य अधिकारी जिलाधीश था, वो संपूर्ण जिले के लिए राजस्व, शांति और कानून व्यवस्था के लिए कार्य करता था। और आज भी जिला जो है वो हमारे प्रांतीय शासन की मुख्य धुरी के रूप में कार्य कर रहा है, और अनेक जिलों के जो समूह हैं वो संभागीय आयुक्त या कमिश्नर का जो पद है उन पर लगाया गया है, और ये कमिश्नर का पद भी ब्रिटिश लीगेसी है। प्रत्येक जिले अभी सब डिवीजनों में विभक्त हैं, और जिसका मुखिया उपजिलाधीश या एसडीओ होता है, तहसील के स्तर पर तहसीलदार होता है, जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग का एक जिला अधिकारी है, जो पूर्व की भांति आज भी जिलाधीश के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन से प्रभावित है। ब्रिटिश लोक प्रशासन की एक अमिट जो छाप है, हम कह सकते हैं सिविल सर्विसेज। ब्रिटिश प्रशासन का आईसीएस अधिकारी आज आईएएस के रूप में कार्य कर रहा है, और आईपीएस अधिकारी भी उसी तरह से जिला पुलिस कप्तान या अध्यक्ष के रूप में आईएएस अधिकारी जिलाधीश के नेतृत्व में कानून और शांति व्यवस्था में प्रशासन का हाथ बटा रहा है। ब्रिटिश राज में जिस तरह से अनेक अखिल भारतीय सेवाएं थी, उसी तरह आज स्वतंत्र भारत में आईएएस, आईपीएस, आईएएफ, आईएएस, आईएफएस भारतीय प्रशासन सेवा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, और इन सेवाओं के अधिकारियों का चयन, भर्ती, प्रशिक्षण आदि का जिम्मा आज भी केंद्रीय सरकार की देखरेख में ही हो रहा है, जैसा कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में हुआ करता था। और इन सेवाओं के अधिकारियों का जो सम्मान और जो इनका रुतबा था, वो
भी आज भी लगभग वैसा ही है। अखिल भारतीय सेवाओं में आज भी वही प्रांतीय कैडर प्रणाली लागू है। कभी कभी ये अधिकारी डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में टेन्योर सिस्टम के आधार पे चले जाते हैं और वापस से पुनः प्रांतीय प्रांत में आ जाते हैं। तो इस तरह से डेपुटेशन की जो प्रणाली है वो भी ब्रिटिश सरकार की तरह ही आज भी विद्यमान है। संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग, ये भी ब्रिटिश प्रशासन की विरासत है। संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन स्वतंत्र भारत में उसी आधार पर गठित किया गया है जिस आधार पर यह पूर्व तरीके से गठित था, और उसकी कार्यप्रणाली भी उसी आधार पर की गई है। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी ब्रिटिश प्रशासन की देन है। आज का जो उच्चतम न्यायालय है, पहले वह संघीय न्यायालय हुआ करता था, और उच्च न्यायालय मोटे रूप से उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं जिस प्रकार से ब्रिटिश न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ पर ब्रिटिश काल में मौजूद थी। कानून व्यवस्था, शांति इत्यादि का जिम्मा आज भी जिले में पुलिस का न होकर जिलाधीश का है, और आईएएस अधिकारी आज भी आईपीएस अधिकारी के मुकाबले प्रशासन का आधार बना हुआ है। आज जो स्वतंत्र भारत में स्थानीय प्रशासन जो विद्यमान है वो भी ब्रिटिश राज से मिलता जुलता है। हालांकि ये संस्थाएं प्रजातांत्रिक हो गई हैं, अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाती हैं, स्वायत्त शासन व्यवस्थाएं कहलाती हैं, और इनके चुनाव भी होते हैं, फिर भी इनका मूल ढांचा ब्रिटिश राज व्यवस्था पर ही आधारित है। एक जो महत्वपूर्ण बात और है वो ये है कि लॉर्ड मेकाले ने भारतीय प्रशासन में अंग्रेजी की वकालत की थी, और सभी महत्वपूर्ण जो पद थे उस समय वो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को दिए जाते थे, और ये हाल आज भी है। आज भी अंग्रेजी पढ़े लिखे बोलने वालों को का ही प्रशासन में वर्चस्व है। ब्रिटिश प्रशासन में सामान्यज्ञों को अधिक महत्व और सम्मान प्राप्त था, वैसे ही आज भी सामान्यज्ञों को एक्सपर्ट्स की अपेक्षा अधिक सम्मान प्राप्त है। आज भी विशेषज्ञों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के मुकाबले आईएएस और प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का वर्चस्व प्रशासन में बना हुआ है। आज के जो सचिवालय हैं और विभिन्न विभागों और गतिविधियों के लिए जो निदेशालय बनाए गए हैं, वो निदेशालय भी ब्रिटिश राज की व्यवस्था की तरह ही कार्य कर रहे हैं, और नौकरशाही की यह प्रवृत्ति हमें स्वतंत्र भारत में भी देखने को मिलती है। अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं की हम बात कर चुके हैं, अधीनस्थ न्यायिक सेवाएं पूर्व की तरह ही भारत में कार्य कर रही हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ब्रिटिश काल की कुछ जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिल्कुल वैसे ही आज भी कार्य कर रही है। हालांकि आज इस बात की ज़रूरत है कि इनमें से कई चीज़ों को बदला जाए और प्रशासन में कई सुधार किए जाए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।